अरे वाह, क्या कलर आया है चिल्ली गार्लिक सॉस में। सुपर। हमने लिया है 3 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा रेड फूड कलर, 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो, 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च और 100 ग्राम घिसा हुआ लहसुन। मैंने लिया है छोटा भिगोना, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते। इसमें डालें 2 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल। गैस को कर दें लो फ्लेम पे ताकि लहसुन जले ना। दो मिनट तक चलाते रहो। अब कलर हल्का गोल्डन हो गया है। कुटी लाल मिर्च डालते ही चलाते रहो ताकि हमारी मिर्च जले ना। ध्यान रहे ज्यादा देर नहीं पकाना है। आप हल्का पानी जरूर डालें ताकि जलने से बचाना है मिर्च को, और अच्छे से पकाना है। तकरीबन 1 मिनट तक चलाना है। ऑयल बाहर दिखने लगा है। चलो 1 गिलास पानी डाल देते हैं। अब हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च। मैंने पहले से ही एक बाउल में कॉर्न स्टार्च को पानी में मिक्स करके रखा है। गैस को कर दें हाई फ्लेम पे और 1 गिलास पानी फिर से डालें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। रेड फूड कलर डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा अजीनोमोटो वो डालें। वन टीस्पून वाइट नमक और 1 टीस्पून ब्लैक नमक। भैया गैस को कर दें लो फ्लेम पे और अच्छे से ढक दें 10 मिनट तक। गैस को करें ऑफ और हो गई हमारी चिल्ली गार्लिक सॉस तैयार।